Students, good morning. Welcome to your online classes, class 3rd. This is the video about the subject of Hindi literature, and this is your Hindi book, Abhika Hindi Pati Pustak, Bhag 3. और आज के इस वीडियो में आपने जो एक कविता पढ़ी है चांद का झिंगोला, लेसन 8 यानी पार्ट 8, इसका आपने पोयम को समझ लिया है. रामधारी दिनकर जी ने खूबसूरत सी पोयम लिखी है और ये है आपका शब्दार्थ एक्सरसाइज. आप लोगों को बाद में कराती हूँ, पहले आप देख लीजिए प्रश्न उत्तर. इसमें देखिए ये है थोड़े से शब्द. हठ यानी जिद करना, झिंगोला ढीला कुर्ता, सफ़र यानी यात्रा, ठिठुरना यानी कांपना, भाड़ा किराया, लिवाएँ यानी लिवादें, सलोने प्यारा या सुंदर कोई एक, जाड़ा जाड़ा मीन सर्दी. बच्चों आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में पोयम को लिख लेना है और बगल में दूसरे पेज में अगर बना सकते हो आप तो इस चांद का छोटा सा जो चित्र है उसको आप बना दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, जिससे आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी. इसके बाद आपको अगले पेज में करना है पहले शब्दार्थ. शब्दार्थ करने के बाद दूसरे पेज में आपको करना है प्रश्न उत्तर. प्रश्न आपके पुस्तक में दे रखा है, देखिए पेज नंबर 30 पर आ जाइए और देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर है ठीक शब्दार्थ के नीचे. और पहला प्रश्न है आपका, चांद की माँ उसका नाप क्यों नहीं ले पा रही है, और जिसका उत्तर है चांद का एक नाप ना होने के कारण माँ उसका नाप नहीं ले पा रही है. ठीक है, चांद का एक नाप ना होने के कारण नाप माँ नाप नहीं ले पा रही, कारण के बाद माँ लिख लेना है आपको, माँ नाप नहीं ले पा रही है. प्रश्न दो, माँ चांद का कुर्ता क्यों नहीं सिलवा पाती. माँ चांद का कुर्ता क्यों नहीं सिलवा पाती. माँ कुर्ता नहीं सिलवा पा रही क्योंकि वह रोज़ घटता बढ़ता रहता है. माँ कुर्ता नहीं सिलवा पा रही क्योंकि चांद रोज़ घटता बढ़ता रहता है. प्रश्न तीन, चांद अपनी माँ से किस मौसम की बात कर रहा है. उत्तर, चांद जाड़े के मौसम की बात कर रहा है. प्रश्न आखिरी, चांद अपनी माँ से किस चीज़ के लिए हट करता है, और आपका उत्तर होगा चांद अपनी माँ से एक झिंगोले की बात कर रहा है या हट कर रहा है. बात और हट दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं आप. आखिरी उत्तर है आपका, चांद अपनी माँ से एक झिंगोले की हट या जिद कर रहा है. तो ये है आपका शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर, ये ख़त्म होता है. इसका एक एक्सरसाइज आप यहाँ पर कर लीजिए, सही उत्तर पर सही का निशान. चांद को किस लिए मोटा ऊनी कुर्ता चाहिए, ठंड से बचने के लिए. चांद किससे हट करता है, अपनी माँ से. इसके बाद हवा रात भर कैसे चलती है, सन सन करके चलती है. ठीक है, इसके बाद कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए जिससे आप आराम से अपनी बुक को देख करके पूरी कर सकते हैं. और इसके बाद एक अलग सा दूसरा पेज है जिसमें आपके पास पेज नंबर 31 में है, सही कथन पर सही तथा गलत का निशान लगाइए. पोयम आपको समझा दिया है, इजी पोयम है और आप इसको समझ भी सकते हैं, तो इसको आप आराम से इसका सही और गलत पे निशान लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है. और इसके बाद आएगा विलोम शब्दों का मिलान कीजिए. ठीक है, यहाँ पर ये पेज शो नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ. विलोम शब्दों का मिलान कीजिए में सर्दी का उल्टा आप जानते हैं गर्मी होती है, रोशनी का उल्टा आपका अंधकार, काला का उल्टा सफ़ेद, और आधा का उल्टा देखिए यहाँ पे पूरा होना चाहिए, जो कि काला आधा का उल्टा यहाँ पे अलग नहीं लिखा है, काला का तो यहाँ पे सफ़ेद हो गया लेकिन आधा के लिए कठोर जो है नहीं लिखा है, एक शब्द थोड़ा सा मिसिंग है. इसे आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है. सही कथन ट्रिक क्रॉस भी आपका होमवर्क रहेगा. इसके बाद नेक्स्ट पेज की सारी ही चीज़ें आपकी होमवर्क हैं जिसे आप कर सकते हो, ओरली आपको समझा दे रही हूँ. और इसके बाद आपका आएगा एक पेज जिसमें उसी पेज में नीचे लिखा रहेगा, चित्र देखकर बताओ कि किस मौसम में पहने जाने वस्त्र हैं. ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि जाड़े गर्मी और बारिश में हम क्या पहनते हैं. ठीक है, हल्के कपड़े पहला गर्मी का है, दूसरा रेनकोट है जो कि बारिश का है, और उसके बाद जैकेट है जो कि जाड़े का है. तो इस तरह से ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है. अगले लेसन के लिए हम अगली वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.